दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के आंत में मल जमा हो जाता है तो उसे बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। ऐसे में आपको पहचानने का तरीका क्या होता है कि आप जब भी शौच करने जाते हैं तब आपको बहुत ही तेज शौच लगा होता है, लेकिन आपका पेट सही ढंग से खुलकर साफ नहीं हो पाता है, जो कि हमारे आंत में मल जमा होने का ये संकेत देता है। अगर आपको भी आंत में जमा मल की समस्या से परेशानी है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें इसे कैसे तैयार करना है और इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं गुनगुना पानी। दोस्तों, गुनगुना पानी हमारे पेट और लीवर दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। अगर आपको लीवर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है या पेट में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो ऐसे में अगर आप रोज़ाना गुनगुना पानी का सेवन करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हमारे पेट के अंदर जो गैस कब्ज की शिकायत होगी तो उन्हें भी ये ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आधी गिलास की मात्रा में ले लेते हैं गुनगुना पानी और इसमें हम दूसरा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों आधी कटी नींबू। नींबू हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है, तो यहाँ पर हम आधी कटी नींबू के जूस को इसमें ऐड कर देते हैं और इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों आप ये देख रहे हैं पेस्ट, इसी का यहाँ पर ये पेस्ट है करेले का। दोस्तों, करेले का वैसे तो सब्जी खाया जाता है, लेकिन सब्जी के साथ साथ ये हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारे रोगों को ख़त्म करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने इसी करेले के इस्तेमाल से आपके लीवर को साफ करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस करेले को लेना है और इस कच्चे करेले का पेस्ट तैयार कर लेना है, जो कि आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं यही है कच्चे करेले का पेस्ट। और इस पेस्ट को आप क्या करें कि आप पानी में लगभग 3 चम्मच की मात्रा में डाल लें। आपने जो गुनगुना पानी में नींबू का इस्तेमाल किया है उसी पानी में आपको इस करेले के पेस्ट को भी डाल लेना है। दोस्तों, मिलाने के बाद से आप एक चम्मच की मदद से इसे बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लें। यहाँ पर ये हमारा नुस्खा बनकर बिल्कुल ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, जो कि आपके लीवर की बहुत ही अच्छे तरह से मात्र 24 घंटे में सफाई कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसका इस्तेमाल करना है आपको एक दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात्रि में भोजन करने के बाद से। अगर आप सिर्फ 2 बार एक दिन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके अगले दिन वो लीवर बिल्कुल अच्छे तरह से साफ हो जाएगा। आपको हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लेना है ताकि आपके पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उन्हें ये ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।